Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. मुझे पता है कि आप लोग अपने रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और मैंने खुद ने भी NTA को एक ईमेल लिखी थी जहां पे मुझे ये जानकारी मिली कि अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते के अंदर, जो कमिंग वीक है, आई नो अभी आप कहेंगे कि सर ये चीज़ तो हम लास्ट 15 दिन से सुन रहे हैं, बट यही अपडेट है और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी यही अपडेट मिली है कि आने वाले वीक में हर हालत में आपका रिजल्ट आ जाएगा. सो यू शुडेंट बी वरीड अबाउट द रिजल्ट. आंसर कीज ऑलरेडी आ चुकी हैं एंड बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपका रिजल्ट भी नेक्स्ट वीक में आ जाएगा. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी फॉर द जून 2022 अटेम्प्ट, और आपने मेरे सेशंस भी लगातार देखने शुरू कर दिए होंगे. प्लीज डू नॉट मिस दीज सेशंस, बिकॉज इन सेशन के अंदर मैं डिटेल में आपके कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा हूं ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें. एंड टूडे द सब्जेक्ट दैट आई हैव चोजन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड दिस सब्जेक्ट इज कॉमन टू बोथ कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स. एक ही छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, इनको सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, वेर एज जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जो मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हैं, इनको माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों ही कवर करना है. तो मैक्रो का बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं है, पर इनके सिलेबस में दोनों पार्ट है, वेर एज कॉमर्स वालों के में सिर्फ माइक्रो है. ठीक है, तो जल्दी से आज के सेशन को शुरू करते हैं. इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन, ताकि आप लगातार मेरे सेशंस अटेंड कर सकें, आपको सारी अपडेट मिल सके एंड आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके ही जाएं. ठीक है, वही ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर सेशन का. ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और कोई डाउट है तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम इकोनॉमिक्स. काफी एक्साइटेड हूं मैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमैटिक लगता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन सेशंस के थ्रू मैं आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूं. दैट इज वन एस्पेक्ट. सेकंड एस्पेक्ट इज कि जो इकोनॉमिक्स इक्वेशंस आते हैं, दे आर नॉट ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट नेचर, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं. जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ा हुआ है, उसका भी बहुत ही बेसिक वर्जन पूछा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग साबित हो सकता है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं. अ यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट. तो अब हमें पता है कि जो यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो यू शेप का होता है. तो यहां पे हमें बताना है कि कुछ हमें रीजंस गिवन है, विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट रीजन. एंड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर योर अजर्शन रीजनिंग ऑल्सो, बिकॉज वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है. तो ये क्वेश्चन वहां भी उस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स प्रिवेल्स एट स्मॉल लेवल्स ऑफ आउटपुट. ठीक है, जब आप कम लेवल्स ऑफ आउटपुट बना रहे होते हैं तब ये प्रिवेल करता है, उस टाइम पे ये होता है, इट हैपेंस इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. सेकेंड इज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स प्रिवेंट एट लार्जर लेवल्स ऑफ आउटपुट. तो ध्यान रखिए, हमें यू शेप्ड एसी कर्व के रीजंस डिफाइन करने हैं बेसिकली यहाँ पे. सी एस्पेक्ट दिया है बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एक्रू मोर एट द लोअर स्केल ऑफ प्रोडक्शन. मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे आप डिवाइड कर देते हैं लेबर्स को, हर इंसान का एक स्पेसिफिक टास्क बना हुआ है, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है. तो कम लेवल पे जब लो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है तो स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा हो पाती है. ठीक है, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मैनेजीरियल इनएफिशिएंसीज आर प्रोन टू अ हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, जैसे जैसे आप मैनेजीरियल लेवल पे हायर ऑर्डर पे जाने लगते हैं, थोड़ी सी वहां पे इनएफिशिएंसीज एग्जिस्ट करने लगती है, इनएफिशिएंसी होने लगती है. तो ये चार रीजन हमारे सामने गिवन है. अगर आपको सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, और तब तक मैं आपको ये यू शेप कर्व समझा देता हूं. दिस इज द यू शेप कर्व. तो मैं आपको बता दूं कि जब इनिशियली जब आप प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स एक्रू होते हैं, जिनको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, जिसकी वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बिकॉज दिस इज एन एवरेज कॉस्ट, तो हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होने लगता है स्टूडेंट्स. ठीक है, बट जैसे जैसे आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं तो क्या होता है, मशीन फेलियर हो सकता है. ठीक है, बिकॉज बहुत एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है. एक इंसान की तरह सोचिए, आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, जब आप इनिशियली पढ़ना शुरू करते हैं आपका टारगेट कम है, लेट्स से आपका टारगेट है कि मुझे 2 घंटे तैयारी करनी है, जब आप 2 घंटे से बढ़ा के इसको 4 घंटे तक लगते हैं तो भी ये मैनेजेबल होता है, और आपको धीरे धीरे बिकॉज आपका फोकस बनने लगता है, आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होने लगती है, तो ये 4 घंटे जो है वो आपकी लर्निंग में कॉन्ट्रीब्यूशन देता है. जैसे जैसे आप 8 घंटे और 10 घंटे की तरफ मूव करने लगते हैं, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है वो गिरने लग जाती है. दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ टायर्डनेस. ठीक है, बहुत ज़्यादा आप टायर्ड हो रहे हैं इन सारे रीजन्स की वजह से. तो उन सिचुएशन में क्या होती है, जो कॉस्ट होती है वो बढ़ने लगती है, बिकॉज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग. ठीक है, तो मेजर रीजन ये है, बट
इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर दिया होगा। जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रेवलेंट है स्मॉल लेवल ऑफ आउटपुट पे। अगर स्मॉल लेवल पे इकोनॉमीज हो रही है तो लार्ज स्केल पे डिस इकोनॉमीज होगी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ एफिशिएंसी, ये सारी चीजें होंगी लार्ज स्केल्स पे, वहां पे मशीन फेलियर भी होगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी छोटे लेवल पे होता है, जैसे जैसे बहुत ज्यादा लोगों के साथ आप काम करने लगते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है, ये भी आपकी हायर स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे होती है। जब बहुत वॉल्यूमिनस काम करना है तब कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहां पे कई बार मैनेजमेंट इनएफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीजंस हो सकते हैं आपके यू शेप के, बिकॉज इसके अंदर कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल के रीजंस हैं और कुछ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के रीजन है। देयरफॉर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी बी, दैट इज ए बी सी एंड डी। ये चारों ही चारों रीजंस हैं, कॉजेज हैं यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। When the sum of exponents exceeds 1, ठीक है, आपके सामने एक सिचुएशन दी हुई है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन 1 इन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर आपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ा है तो आपने कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जरूर इनकाउंटर किया होगा। इट इज वन ऑफ द फेमस प्रोडक्शन फंक्शंस, जिसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं, डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं बिटवीन द इनपुट, जो कि हो सकता है लैंड, लेबर, कैपिटल, कुछ भी। ठीक है, ये आपके कुछ इनपुट्स हो गए। मेजरली हम यहाँ पे लेबर और कैपिटल को लेते हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड योर आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बिटवीन योर इनपुट एंड आउटपुट। आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर ए प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइप ऑफ स्केल। स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लॉन्ग रन के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली फोकसिंग ऑन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इज इट गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, इज इट गोइंग टू बी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इज इट गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, और इज इट गोइंग टू बी वेरिएबल रिटर्न टू स्केल। स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में 100% आता है, चाहे वो अजर्शन रीजनिंग फॉर्म में पूछा जाए, मैच द फॉलोइंग पूछा जाए, आप कोई भी पास्ट ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आता है। और इस बार भी आपके जो भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं नवंबर दिसंबर में, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको एक रूल बता देता हूं, वो कहते हैं ना कि अगर कंसेप्ट आ जाएगा तो आप इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक कर पाएंगे। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कॉब डगलस फंक्शन क्या होता है। अब देखिए, आपको डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों के लिए। इकोनॉमिक्स वालों ने इसको डिटेल में अपने मास्टर्स में पढ़ा होगा, तो मैं डिटेल्स में, टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। सिंपल बता देता हूं कि जो आउटपुट है इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे एल रिप्रेजेंट्स योर लेबर एंड योर के इज रिप्रेजेंटिंग योर कैपिटल। ठीक है, फंक्शन किसका है, वाई का है, वाई को आप आउटपुट मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए, अल्फा और बीटा ये क्या है, ये हमारे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू के बेसिस पे हम जज करते हैं कि जो हमारे रिटर्न टू स्केल है वो कैसे होंगे। अब आपको करना क्या है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, एक और वेरियंट बता देता हूं, तो हो सकता है कि इसकी वैल्यूज आपको दियो, हो सकता है ए के सामने कोई वैल्यू दियो, दैट इज लेट्स से 0.5, और बी के सामने भी वैल्यू दी हो 0.5। ये जनरली यहाँ पे वैल्यू देके रखते हैं एग्जाम में, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिंपल एक रूल ध्यान रखना है, इफ ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 निकल के आता है, देन योर आंसर इज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 तो क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और अगर अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 देन इट बिकम्स डिक्रीजिंग returns to scale। तो पता नहीं, इतना सिंपल सा ये कंसेप्ट है, स्टिल स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं, probably because उनको ये छोटी सी चीज नहीं पता होती। अब देखिए, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जाए, चाहे आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाए या आपको वैल्यू देके कैलकुलेट करने को कहा जाए, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को एड करके देख लेना है, उसके बेसिस पे आपका जवाब निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि ए प्लस बी, विच इज द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, इनकी जो वैल्यू है ये 1 से ज्यादा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका जवाब दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में, दैट द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंटीग्रल क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, स्पेसिफिकली फ्रॉम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, जब हम उस टाइम पे दो प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम असेंशियली क्या कह रहे हैं
कि जब एक प्राइस लेट से x का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ y प्रोडक्ट. ध्यान रखिए यहां पे क्या डिफरेंस है, प्राइस हम x प्रोडक्ट का बढ़ा रहे हैं या गिरा रहे हैं वॉट एवर इट बी, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो दूसरे प्रोडक्ट की y की चेंज हो रही है. ठीक है, तो ये आपको यहां पे कैलकुलेट करना है. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अगर आपने सब्सिट्यूट गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप बेसिक कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं टी एंड कॉफी के बारे में बात करूं विच आर असेंशियली अ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, तो इससे एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें समझ में आए. अब क्या होगा कि लेट्स से कि टी जो है इसका प्राइस बढ़ रहा है. ठीक है, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो व्हाट इज गोना हैपन, पीपल आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम टी टू कॉफी, तो क्या होगा, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी, ठीक है, जो कि हमारा एक्स है, ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई विच इज कॉफी इज इंक्रीजिंग, ये हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज समहाउ गोइंग टू कम आउट टू बी पॉजिटिव ग्रेटर देन वन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, ये कौन से प्रोडक्ट के लिए हो गया, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज के बारे में बात करूं, लेट्स से हमने बात कर ली पेट्रोल और कार, ठीक है, बिकॉज इससे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे. ठीक है, तो ये साथ में यूज होते हैं. अब क्या हो रहा है, अब आप आजकल देख रहे हैं कि क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइसेस जो हैं वो पेट्रोल के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. आप देख सकते हैं 100 रुपए उसने छू लिया है, आसमान छू रहा है, लोग तो ये भी कह रहे हैं. तो क्या होगा कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, जो पेट्रोल वाली कार है उसको आप कम प्रेफर करेंगे, द क्वांटिटी डिमांड इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड्स, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. ठीक है, तो अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको पता है कि अगर आप इनकी वैल्यूज ले लेते हैं, व्हाटएवर बी द वैल्यूज, और उसको कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू कम आउट टू बी नेगेटिव. तो अगर आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको पता है कि सब्सिट्यूट गुड जो है वो पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके देगा आपको जो भी वैल्यूज आए, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होंगे वो आपको नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू कम आउट टू बी बी, नेगेटिव प्रोडक्ट. क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी. आई होप आपने बी को ही सही मार्क किया होगा कमेंट सेक्शन में. चलिए लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं. विच मार्केट फॉर्म लीड्स टू मोर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, एंड प्रोडक्ट मूवमेंट देन अदर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टॉक. अब देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको तभी आता होगा अगर आपने मार्केट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपने मार्केट्स के फीचर्स को अच्छे से समझा होगा कि कौन से मार्केट के क्या फीचर हैं. ठीक है, अब देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमें क्या पता है कि भाई यहाँ पे सबसे खास बात क्या होती है, दैट यहाँ पे देयर इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नॉट नेसेसरली द टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व्ड बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जरूर होता है. ठीक है, तो ये इसका मुख्य या फिर मेन सोर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है, तो भाई इसको तो इंसेंटिव ही नहीं है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने का. क्यों, क्योंकि इसको जब पता है कि मैं अकेला सेलर हूं और मैं जो भी बेचूंगा वो लोग खरीदेंगे, तो इसके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या फिर इंप्रूवमेंट्स करने का. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता. अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट वेयर देर इज यूनिफॉर्म प्राइस एंड देर इज अ होमोजेनस प्रोडक्ट. ठीक है, तो भाई अगर होमोजेनस प्रोडक्ट है, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, बेसिक कॉमन सेंस है कि अगर यूनिफॉर्म प्राइस है, होमोजेनस प्रोडक्ट है, तो आप टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट क्यों करेंगे. टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कहां पे होगा, जहां पे बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है. ठीक है, जहां पे प्राइस और नॉन प्राइस वॉर के तरीके से कॉम्पिटिशन होता है, और जहां पे कम प्लेयर्स हैं, देर आर फ्यू डोमिनेंट प्लेयर्स. क्योंकि जो फ्यू डोमिनेंट प्लेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को आउटवे करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट. वहां पे क्या होता है, हर कंपनी हो, कार्स की कंपनी हो, ह्यूंडई हो, टाटा हो, मारुति सुजुकी, वो लगातार आप 6-6 महीने में देखेंगे कि भाई उनके ब्रांड्स के अंदर इंप्रूवमेंट होती रहते हैं, नए नए वर्जन आते रहते हैं, कार्स के नए नए मॉडल्स आते रहते हैं, और वो लगातार उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते रहते हैं. एक गाड़ी सीएनजी की कार निकालेगी लेट से 6 लाख रुपए की, दूसरा ब्रांड, दूसरा जो कॉम्पिटिटर होगा वो दोबारा से उसके अंदर इनोवेशन करेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कार निकाल देगा इन अनदर प्राइस. ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकल चेंज और इनोवेशन होता है प्रोडक्ट के अंदर वो होता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर. देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. मुझे पता है ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट क्योंकि ये हमारा इकोनॉमिक्स का पहला सेशन है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इजी से लेके मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस करा रहा हूं. बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेवल इस सेशन का बढ़ता जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू. जब हमें प्रोग्रेशन करना होता है, जब हमें सीखना होता है, तो हमें इजी से डिफिकल्ट की तरह मूव करना है, तो हम भी उसी ऑर्डर में चल रहे हैं. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन केस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम,
आई होप अब आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पता है, ठीक है, जिसके अंदर दो अप्रोचेज होते हैं, वन इज योर यूटिलिटी अप्रोच एंड द अदर वन इज योर आईसी कर्व अप्रोच या फिर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ बेसिक पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव होता है, तो वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। इज इट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इज इट लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, इज इट बोथ ए एंड बी, और इज इट नन ऑफ द अबव। नाउ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टूडेंट्स, और क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। हो सकता है कि आपको कंडीशन पता हो, देयर आर हाई चांसेस कि आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता हो, चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में हम बात करें या फिर आईसी कर्व के बारे में बात करें, आपको दोनों की कंडीशन हो सकता है पता हो, बट अगर आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, तब तक आपको मैं ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। उसके पहले एक छोटा सा आपको ब्रीफअप देना चाहता हूँ कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है, सिंपल सा ये लॉ क्या स्टेट करता है। ये लॉ गॉसेन ने दिया था, पहले तो आपको बता दूं, ठीक है, और इसको गॉसेंस सेकेंड लॉ भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज गॉसेन सेकेंड लॉ, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, दैट एवरी मनी स्पेंट, एवरी लास्ट रुपी स्पेंट ऑन द कमोडिटी शुड बी इक्वल एंड शुड गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो एक तो जो भी आप पैसा अपना लास्ट रुपी स्पेंड कर रहे हैं कमोडिटी पे, वो इक्वल होना चाहिए एंड शुड गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस सपोज करिए, देखिए यहाँ पे कुछ भी कमोडिटी के बारे में नहीं लिखा कि भाई सिंगल कमोडिटी है, टू कमोडिटी है, तो मैं आपको एडवांस कमोडिटी समझा देता हूँ जो कि टू कमोडिटी केस होता है, ठीक है। अब ये सोच के चलिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गिवन है आपको और प्राइस ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। इसको हम इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जहां पे हम क्या कहते हैं फॉर द टाइमिंग, हमारा अजम्पशन क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है दैट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ये हमें सिचुएशन दी हुई है, ये सोच के चलिए, इमेजिन करिए अपने माइंड में कि एक्स कमोडिटी से आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू वाई प्रोडक्ट। तो इस केस में होगा क्या स्टूडेंट्स, कि आप क्या करेंगे, आप एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे और वाई को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे, मतलब वाई को आप सब्सिट्यूट कर रहे हैं बेसिकली कम खा के और एक्स आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। खाते 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 क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करना शुरू कर देगा, विच इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल, और होगा क्या, आपकी एक्स प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो गिरने लगेगी और वाई प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो बढ़ने लगेगी, बिकॉज यू आर नॉट कंज्यूमिंग, ठीक है। अल्टीमेटली कंज्यूमर क्या करेगा, दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में स्विच करता रहेगा, और वो स्टॉप कहां करेगा, वो स्टॉप करेगा आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, वेयर द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है कि अब ये एक ऐसी स्टेज आ गई है जहां पे जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जो भी आप इनकम स्पेंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ द कमोडिटी, दोनों कमोडिटीज की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि मैंने टू कमोडिटीज केस का एग्जांपल लिया है, द लास्ट रुपी स्पेंट इज गोइंग टू बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ बोथ द कमोडिटी, और ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, बिकॉज आप एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं जो आपके लिए बेस्ट सिचुएशन है, जो आपके लिए मैक्सिमम सेटिस्फाइंग सिचुएशन है। अगर इनमें से सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन नहीं आती, ठीक है, लेट्स से कि यहां पे हमने एक्स को ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिया, अगर रिवर्स सिचुएशन भी होती तो आप कंजम्पशन स्टार्ट करते रहते, आप करते रहते कंजम्पशन एंड आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पता चल गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसको गॉसेन सेकंड लॉ भी कहते हैं, और उसको लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। ये सारे इसी टर्म के, इसी लॉ के सिनोनिम्स हैं, एंड देयरफॉर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी सी। तो अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी तो आई होप अब आपको जानकारी मिल गई है। और इसी तरीके से एनडीए क्वेश्चन पेपर सेट करता है जहां पे एक टर्म के, एक टर्मिनोलॉजी के बहुत सारे सिनोनिम्स आपको दे देता है एग्जाम में, ताकि अगर आपको उसके बारे में जानकारी ना हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए और पेपर का लेवल इसी तरीके से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो। आई हैव स्टार्टेड विथ माई सेशन फॉर द अपकमिंग जून 2022 एग्जाम, और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, अब सारे एग्जाम्स होने शुरू हो गए हैं, ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग, डेट्स आनी शुरू हो गई है, स्कूल्स खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, एंड देयर वेरी हाई चांसेस कि इस बार आपका एग्जाम जो पोस्टपोन होता है, जो हो रहा है दो सालों से, वो नहीं होने वाला है। तो प्लीज 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 अपना टाइम वेस्ट मत करिए, स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन और मेरे सेशंस अटेंड करते रहिए अगर आपको ये अच्छे लगते हैं। अगर आपको लगता है आज आपको कुछ भी सीखने को मिला, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट रह गया है, यू कैन पोस्ट इन द कॉमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। दैट वॉज ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय, नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो with some amazing question.
Bye-bye and God bless you.